मुंबई मॉनसून का कहर झेल रही है। लगातार बारिश से मुंबई में पानी भर गया है। मुंबई में स्थानीय प्रबंधन का जिम्मा बीएमसी के पास है, जिस पर शिवसेना का कब्जा है, और उसी शिवसेना के एक विधायक दिलीप लांडे ने जमकर दबंगई दिखाई। विधायक ने कॉन्ट्रैक्टर पर कूड़ा डलवाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। सड़क पर बेतरह फैली गंदगी, नाले से निकला कूड़ा और इस सब के बीच सियासत चमकाने का तमाशा। कूड़े के ढेर पर एक जिस शख्स को बिठाया गया है वो बीएमसी का ठेकेदार है। सामने एक सफेद शर्ट में शिवसेना विधायक दिलीप लांडे हैं और ठेकेदार को चारों तरफ से घेर कर खड़े लोग नेताजी के कार्यकर्ता हैं। नेताजी के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने नाले से निकाली हुई गंदगी से ठेकेदार को नहला दिया। जनता के प्रतिनिधि होने का ढोल पीटने निकले शिवसेना विधायक ने जनता की लड़ाई लड़ने के नाम पर अपने इलाके में अपनी सड़क छाप पंचायत लगा ली और एक्शन के नाम पर यह शर्मनाक कारगुजारी हुई। सिर से लेकर पैर तक कूड़े में लिपटा शख्स बिना किसी विरोध के हाथ जोड़कर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसे पता है कि विरोध करने का अंजाम इससे भी बुरा होगा। विधायक की दलील है कि ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका मिला था जो उसने नहीं किया, लिहाजा सजा देना उनका अधिकार है। फर्ज पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे पूरे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिकों को लेके यहाँ पे रस्ते पे आया हूँ, गटर साफ करने के लिए आया हूँ। ये काम ठेकेदार को दिया था, ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रस्ते पे उतर के ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। चार पांच दिन से ये संजय नगर सुंदरबाग के मेरे लोगों को ये गटर में से जाना पड़ रहा है, गंदगी में से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं खुद लोगों के लिए यहाँ पे गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। और जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है ये हर कोई जानता है, लेकिन शिवसेना के अपने विधायक ऐसे जता रहे हैं जैसे मुंबई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ये किसी और की है। अपने पार्षदों, मेयर और अफसरों से सवाल पूछने की उनकी ज्यादा दिलचस्पी ठेकेदार को धमकाने और सियासत चमकाने में है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि ये पैसों की बंदरबांट का झगड़ा है। तो मैं कार्बेट का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबोते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। इस कूड़ा पॉलिटिक्स का एक और पहलू चौंकाने वाला है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पर अपने विधायक का चेहरा तो चिपका लिया है, लेकिन ना तो नेताजी और ना ही उनके कार्यकर्ता किसी ने भी चेहरे पर मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई। और ये वही मुंबई है जो कोरोना की मार से अब तक कराह रही है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।